सर दूसरे की आवाज़ गायब करके अपनी मस्ती कर लिया आपने, गायब करके अपनी मस्ती कर लिया आपने। लेकिन जो लोग तनख्वाहों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी अगर आवाज़ नहीं होगी, जो किसान है सुसाइड कर लेते हैं, मजदूर हैं जो 10,000 रुपये से सैलरी भी नहीं मिलती है, बहुत सारे योजनाएँ हैं जो लागू नहीं होती है, आशा कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, आंगनबाड़ी महिलाएँ हैं, जो ठेके पर शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग फिक्स्ड सैलरी पे काम करते हैं, उन सब की आवाज़ दबा देंगे तो कैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे सर? नहीं, आप दबा दीजिए, आपका मन है तो। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वो लोग फिर प्रदर्शन कैसे करेंगे? तो ये सब प्रदर्शन धरना बंद? तो झाल बजा है सर डेमोक्रेसी में, क्या करें सर? हमको भूखा रख के खूब खा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। लाल लाल होठवा पे, अरे देखिए गज्जर। कुछ तो तान के सो गए भाई जी। भाई जी से पूछिए कि अगर हम इंडिया में बिना आवाज के लोकतंत्र का एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा? ट्रोल भाई जी, आप ही पहले डरा देते हैं उनको। बोले भाई जी, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं डेमोक्रेसी का सर, जिसमें वॉयस नहीं रहे, बिना वॉयस के डेमोक्रेसी का। इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, काफी चलेगा। बंद? ऐसे कैसे चलेगा सर काम? ये क्या दिए? अक्षत। बिना आवाज के लोकतंत्र की का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, लेकिन सर आपको कौन सा फूल पसंद है, कनेल का कि धतूरे का? ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें भी गुस्सा आ जाता है आपको बताए। सुबह सुबह कनेल तोड़ते हैं कि धतूरा तोड़ते हैं? सर आप बैन भी लगाते हैं? मैं मारुति बैन की बात नहीं करूं, वो बैन भी लगाते हैं आप लोग? ये ट्रोल बाबू, तुम्हारे जैसा ट्रोल ना गांव के नहर पे लाठी लेके टहलते रह गए, नेताजी मंत्री बन के गायब, समझे? अपना जीवन बर्बाद मत करो यहाँ चंपू बन के उनके साथ जो घूम रहे हो। Yes,
शांत रहो तो शांत बैठो ना, सवाल उधर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आवर है ये। डेमोक्रेसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, नहीं समझे हो क्या बोले? साइबर स्पेस के आप सुने सम्राट हैं, इसीलिए चंपुआ को लेकर घूमते हैं, मेरे खिलाफ ट्रेंड करा देंगे इससे लेके। कहां खिसिया में थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन भी कीजिए। अच्छा सेनूर टिक रहे हैं, अच्छा। जब आप नहीं बोलते हैं तो कैसा लगता है सर? लेस बिगिरी नहीं इस तरह हम इस तरह कौन से किसी बोले का विषय है हम इस तरह नहीं इस तरह नहीं इस तरह ये बाथरूम में चिल्लाते हैं। सर बागों में बहार है। बेकार गुस्सा कर रहे थे। अरे इतना बढ़िया जर्नलिस्ट हो, बागों में बहार है। गुलर का फूल ठीक है, गुलर का फूल ठीक नहीं, गेंदा तो भागों में बाहर नहीं है। कुछ रहा कुछ रहा कुछ तो कुछ सिंपल सवाल पूछ रहे हैं सर, हैप्पी हैप्पी वाला सवाल। कहाँ से बनियान खरीदते हैं, कहाँ से घड़ी लाते हैं, बागों में बाहर है तो चलेगा ना सर? ये सब बाल में सरसों का तेल लगाएं कि रेणी का तेल लगाएं? नहीं मतलब तेल लगाएं जी सर, बाल काला है आपका, मेरा देखिए नहीं लगाया तो पक गया। सर मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं ऐसे ही, जिनको नोटिस नहीं मिलता है, जिनको बैन नहीं लगता है, उनको कुछ हेल्प कीजिए ना कि बिना बोले अपनी बात कह पाए। ईशु जी, राजेश निर्मल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माइम कला का जो मूक अभिनय, जो हमारी पारंपरिक नाट्य कला का एक धरोहर है, उसका प्रदर्शन किया शुक्रवार के दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत दिनों के बाद आप आए, और ऐसे ही टीवी पे कलाकारों की भी बात होनी चाहिए, विषयों में विविधता आनी चाहिए। नेता लोग आके पता नहीं कब नाराज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, पर क्या करना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का है? तो एक ब्रेक में तो हमको जाना पड़ेगा, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ।